पूर्वांचल वासियों सहित नागदा शहर के लोगों ने छठ महापर्व मनाया। इस दौरान आला प्रशासन के साथ छठ घाट पर जनप्रतिनिधि और शहर के लोग भी मौजूद रहे। जिला पुलिस बल के 12 थानों का बल यहां पर मौजूद रहा और तैराक दल भी सतर्क रहा। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में छठ पर्व मनाया जाता है, लेकिन नागदा में भी प्रतिवर्ष इस पर्व को बढ़ चढ़कर शहरवासियों के साथ पूर्वांचल वासियों ने नागदा में मनाया। नागदा में चंबल नदी के तीनों घाट महतवास, नायन, हनुमान डैम पर डूबते सूरज और उगते सूरज को अर्घ्य देकर इस पर्व को मनाया जाता है। लगभग एक दर्जन थानों का पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा और 150 जवानों की मौजूदगी के साथ साथ तैराक दल भी यहां पर मौजूद था। ये छठ पर्व के जैसे ही हम लगभग मिले, एक सप्ताह से तैयारी चल रही थी, सभी घाट पे बैरिकेडिंग वगैरह सब करा दी गई है। लगभग 12 थानों का बल हमको मिला है, महिला वाले पुलिस लाइन का है, 3 तैराक दल मिले हैं जो तीनों घाटों पर NDRF की टीम और उनको लगा दिया गया हमको, और वो आपकी व्यवस्था देख रहे हैं। हर एक घाट पे पार्किंग स्थल पे सब जगह बल लगाया, बल इतना पर्याप्त है, लगभग 150 के आसपास हमारे पास बल है। उसके अलावा नगर रक्षा समिति और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके भी उनको भी घाट पे महिलाओं के कारण लगाया गया है, और सारी व्यवस्था हमने दुरुस्त दर्ज की है। किसी को भी किसी श्रद्धालु को वहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को पैदल चलना पड़े। नयन पुलिया के यहाँ पे पार्किंग वगैरह की गई है, छोटे वाहन जो हैं टू व्हीलर वगैरह वो नीचे वाले रपट से जाएंगे। बड़ी वाली पुलिया जो नई बनी है, क्योंकि अभी वो नई बनी है उसका टेस्ट नहीं है, तो उस पर हमने पैदल जाने आने वाले लोगों के लिए रखा है, और पार्किंग की व्यवस्था वहीं पर करेंगे।